कृषि पशु संवर्धन विभाग, जिला परिषद नागपुर तथा पंचायत समिति सावनेर के संयुक्त प्रयासों से कृषि उत्पन्न बाजार समिति सावनेर में संपन्न भव्य कृषि व पशु पक्षी प्रदर्शनी में आयोजन के उद्घाटन क्षेत्र के विधायक तथा पूर्व पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार ने किसान भाइयों से पशुपालन को मुख्य व्यवसाय बनाने की अपील की। जिला परिषद नागपुर की अध्यक्षा मुक्ताताई कोकड़े की अध्यक्षता में 14 जून 2023 को संपन्न इस भव्य कृषि तथा पशु पक्षी प्रदर्शनी का उद्घाटन के अवसर पर विधायक अभिजीत वंजारी, सुधाकर अटबोले, जिला परिषद नागपुर की उपाध्यक्षा कुंता राउत, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, महिला बाल कल्याण सभापति अवंतिका लेकुरवाड़े, प्रवीण जोध, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्य शर्मा, सावनेर पंचायत समिति सभापति अरुणा शिंदे, उपसभापति राहुल तिवारी, नागपुर जिले के सभी कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के सभापति व पदाधिकारी तथा हजारों किसान भाइयों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में विविध प्रजाति के पशु पक्षी तथा आधुनिक तंत्र ज्ञान के खेती विषयक साहित्य को भव्य प्रदर्शनी संपन्न हुई। इस अवसर पर अपने उद्घाटक संबोधन में पूर्व मंत्री तथा क्षेत्र के विधायक सुनील केदार ने किसान भाइयों से अपील की कि वे पशु पक्षी व्यवसाय को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपना। इस प्रदर्शनी में अच्छे किस्म की दुधारू गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी तथा अन्य पशु पक्षियों की नस्लें उपलब्ध है, जिसका पालन कर हम खेती व्यवसाय के साथ साथ इस व्यवसाय से भी अपनी आर्थिक संपन्नता के स्वप्नों को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की अनेक योजनाएं हैं, जिसका लाभ हमें लेना चाहिए। इससे किसी प्रकार की दिक्कतें आती है तो आप अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य तथा पदाधिकारी, जिला परिषद सदस्यों की मदद लेकर इस व्यवसाय को अपनाएं। जब तक गांव संपन्न नहीं होगा, तब तक राज्य और देश संपन्न नहीं बन सकता, इसलिए पशु पक्षी पालन आवश्यक है, ऐसी अपील इस अवसर पर की। वहीं आयोजन की अध्यक्षा मुक्ताताई कोकड़े ने अपनी अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि नागपुर जिला परिषद ग्रामीण किसान भाइयों की उन्नति हेतु कटिबद्ध है। पूर्व पशु संवर्धन, दुग्ध विकास मंत्री सुनील बाबू केदार के प्रयासों से महाराष्ट्र राज्य ने पशु संवर्धन व दुग्ध विकास क्षेत्र में क्रांतिकारक कार्य कर अनेक योजनाएं क्रियान्वित की है। नागपुर जिले समेत समग्र महाराष्ट्र के किसान भाइयों को लाभ दिलाने के लिए भरकस प्रयास किए तथा आज भी वो जारी है। साहिब द्वारा जारी योजनाओं का लाभ जिले के प्रत्येक किसान भाइयों तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, ऐसे विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर पशु पक्षी तथा खेती उपयोगी साहित्य के करीब 200 से ऊपर स्टॉलों में विविध प्रकार के पशु पक्षी तथा खेती उपयोगी साहित्य की भव्य प्रदर्शनी ने उपस्थित किसान भाइयों का मन मोह लिया। आयोजन के सफलतात बैजनाथ डोंगरे, विनोद जैन, सतीश लेकुरवाड़े, प्रवीण झाड़े, राजेंद्र जिचकार, अशोक डवरे सहित कृषि उत्पन्न बाजार समिति सावनेर, पंचायत समिति सावनेर के सभी पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारियों ने सहयोग दिया। आयोजन की शुरुआत मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वल तथा किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित कर तथा आयोजन का समापन कृषि उत्पन्न बाजार समिति द्वारा करीब 501 किसान भाइयों को ड्रॉ अनुसार इनाम, भेंट वस्तु व सम्मान पत्र देकर किया गया। आणि त्याचा उत्साह वाढवावा हा दृष्टिकोनातून नागपूरचे ग्रामस्थ त्याबद्दल त्या भागाचा आभार देतात। त्यांचं सगळ्याचं आभार ही गोष्ट पण साईजने किती पैसे लागले माझं त्याला तेच म्हणणं आहे की जाहिराती आपण समजा लोकांचं मनपरिवर्तन झालं असतं तर कामं करायची गरजच नसते ना, आणि ही मूलभूत करून समजून घ्यायची गरज आहे की ह्या लोकशाहीमध्ये लोकांच्या मनामध्ये विश्वासाचे घर निर्माण केले तरच ती परमनंट राहिलं पाहिजे, आणि राज्यकर्त्यांनी त्या परमनंट झाल्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करावं अशा पद्धतीने। NBC News के लिए संवाददाता किशोर डुडेले की रिपोर्ट।